आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क की आफ्टर 30 ईयर कितनी सैलरी होती है, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जिनकी मैं सैलरी स्लिप लेके आया हूँ, उन्होंने अक्टूबर 1991 में बैंक एज अ क्लर्क ज्वाइन किया था और उसके बाद उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि 30 साल बाद बैंक में अगर कोई एज अ क्लर्क ज्वाइन करे और प्रमोशन नहीं ले तो उसकी लगभग कितनी सैलरी बन जाती है। हम सैलरी स्लिप वाला पार्ट स्टार्ट करें उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्मार्ट कीड़ा जो है वो 3 दिन के लिए स्पेशल दिवाली ऑफर लेके आया है, यानी 17, 18 और 19 अक्टूबर के लिए। उनके काफी सारे कोर्सेज हैं, जैसे LIC के इंश्योरेंस से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं उसके रिलेटेड कोर्सेज हैं, SBI के, IBPS के। तो अगर आप उन कोर्सेज को वहां से परचेज करते हैं और आप हमारा कूपन कोड BANCO यानी बैंको लगाते हैं तो आपको फ्लैट 25% डिस्काउंट मिलेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सैलरी स्लिप वाला पार्ट। सैलरी स्लिप के अंदर सबसे पहले अर्निंग्स वाले पार्ट पे चलते हैं। तो आफ्टर 30 ईयर इनकी बेसिक बनती है 47,920 यानी 47,920 रुपीस। फिर स्टैग्नेशन इनके इंक्रीमेंट लगाए, क्योंकि जब आप प्रमोशन नहीं लेते हैं बैंक में काफी लंबे समय तक तो एक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट आपका लगता है, वो इनका है 13,930 यानी 13,930 रुपीस। फिर GDP के इनके 625 रुपए मिले हैं, 625 रुपीस। फिर HRA के इनको मिले 6,403.69 रुपीस यानी 6,403 रुपए इनको HRA के मिले हैं। और फिर डियरनेस अलाउंस के इनको मिले हैं, जो वर्तमान रेट अभी डियरनेस अलाउंस का चल रहा है, इससे थोड़ा सा ये 3 महीने पुरानी सैलरी स्लिप है, तो डियरनेस अलाउंस उस समय था, उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये है 20,598.01 रुपीस यानी 20,598.01 रुपीस इनका डियरनेस अलाउंस है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनको मिले 797.82 रुपए यानी 797.82 रुपीस। और स्पेशल अलाउंस के इनको मिले 13,487.68 रुपए यानी 13,487.68 रुपीस। इस अर्निंग्स वाले पार्ट का जब हम टोटल लगाएंगे तो टोटल ग्रॉस अर्निंग IBPS क्लर्क की आफ्टर 30 ईयर बनती है 1,30,3,762 रुपए यानी 1,03,762 रुपीस। अब हम चलते हैं इनके डिडक्शन वाले पार्ट पे। तो डिडक्शन में सबसे पहले SPF करके एक डिडक्शन हुआ इनका, वो है 6,247 रुपीस। इनकम टैक्स के इनके डिडक्ट हुए 8,436 रुपए यानी 8,436 रुपीस। प्रोफेशनल टैक्स के 212 यानी 212 रुपीस डिडक्ट हुए। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो स्टेट वाइज थोड़ा बहुत वेरी करता है, जैसे अगर आप ऐसे स्टेट्स भी होते हैं जहाँ पे प्रोफेशनल टैक्स लगता ही नहीं है, कहीं पे 208 रुपए लगता है, कहीं पे 200 रुपए लगता है। उसके बाद यूनियन के मेंबर हैं तो इनके 150 यानी 150 रुपीस कटे हैं। और स्टाफ वेलफेयर फंड के इनके 500 यानी 500 रुपीस कटे हैं। अब इसमें आप देखना जो NPS वाला जो पार्ट होता है, जो आजकल की सैलरी स्लिप में देखने को मिलता है, वो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो PF का एक पार्ट आपको जब आप कोई भी IBPS की सैलरी स्लिप देखेंगे हमारे चैनल पे जाके या RBI वगैरह की देखेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इनकी ओल्ड पेंशन स्कीम इनकी लागू है। तो टोटल डिडक्शन इनके बनते हैं 15,545.50 रुपीज यानी 15,545.50 रुपीज इनके टोटल डिडक्शन है। तो इनकी जब हम नेट अर्निंग कैलकुलेट करेंगे तो नेट अर्निंग इनकी आएगी, जो इनका अर्निंग था ग्रॉस, वो था 1,03,762 यानी 1,03,762। उसमें से जब हम डिडक्शन माइनस करेंगे 15,545.50 के, तो नेट पे इनका बनेगा 88,216.50 रुपीज यानी 88,216.50 रुपीज इनका नेट पे बनेगा। अब इनको कुछ एक अलाउंसेस भी मिलते हैं, जो क्लेरिकल पोस्ट होती है उनको अलाउंसेस जो है वो बैंक वाइज थोड़े बहुत वेरी करते हैं, ज्यादा फर्क नहीं आता है। पेट्रोल के इनको 10 लीटर मिलते हैं, तो मंथली अगर हम कैलकुलेट करें तो अभी वर्तमान रेट जैसे 110 रुपए ऑन एन एवरेज सभी सिटीज का चल रहा है, तो ये लगभग 1100 रुपए पर मंथ बनता है। उसके बाद लंच एक्सपेंस के 350 यानी 350 रुपीज इनको मिलते हैं और मोबाइल के 100 यानी 100 रुपीज मिलते हैं। तो टोटल मंथली अलाउंस इनके जो है वो 1550 रुपए होते हैं। इसको जब हम इंटू करेंगे एनुअली 12 से तो ये होते हैं 18,600 यानी 18,600 रुपीज। उसके अलावा क्वार्टरली अलाउंस में इनको एक क्वार्टरली अलाउंस मिलता है न्यूज़पेपर का, तो ये 900 रुपए अप्रोक्स बनता है। तो साल के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 900 × 4 यानी 3600 रुपए इनको न्यूज़पेपर के मिलते हैं एनुअली। फिर एक एनुअल अलाउंस इनको मिलता है मेडिकल का, जिसको ये साल में एक ही बार क्लेम कर सकते हैं, ये होता है 2350 यानी 2350 रुपीज। इसके अंदर मैं एक चीज बता दूं, जितने अलाउंसेस बोले हैं इसमें से केवल सारे अलाउंसेस जो हैं ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेस्ड पे होते हैं, इसका कोई बिल इनको शो नहीं करना पड़ता है।
उसके बाद हम चलते हैं इनकी टोटल एनुअल इन हैंड इनकम कितनी बनती है ये कैलकुलेट करते हैं। तो नेट पे अपन ने कैलकुलेट करी थी इनकी 88,216, उसको जब हम इंटू करेंगे 12 से तो ये होगा 10,58,592 रुपए, यानी 10,58,592 रुपीज टोटल अलाउंस इनके जो क्वार्टरली एनुअली और अपन ने जो मंथली अलाउंस थे, तो टोटल अलाउंस जो इनके थे वो है 24,550 यानी 24,550 रुपीज। तो इन दोनों का जब हम टोटल लगाएंगे तो एनुअली जो इनके हाथ में पैसा आता है आफ्टर 30 ईयर वो है 10,83,142 रुपीज। तो अगर हम वर्तमान अगर परिवेश में अगर इसको हम देखें तो जो एक IBPS क्लर्क अभी नया रिक्रूट होगा उसको इतनी सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन जो IBPS क्लर्क 30 साल पहले रिक्रूट हुआ है उसको अभी ये इतनी सैलरी मिल रही है। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि अगर हम इन्फ्लेशन रेट देखें तो उस हिसाब से अभी जो न्यूली ज्वाइंट IBPS क्लर्क है उसको कितना कम सैलरी मिल रही है, और जो आफ्टर 30 ईयर है उसको 10 लाख समथिंग सैलरी मिलती है। और क्लर्क एक ऐसी पोस्ट है जिसके अंदर आपका अमूमन होम पोस्टिंग आपको मिल जाती है। तो ये अपने अपने नेचर पे डिपेंड करता है, कुछ लोग होते हैं जो प्रमोशन लेते हैं आगे बढ़ते हैं बैंक में, और कुछ लोग क्लेरिकल में रह के ही रिटायर हो जाते हैं क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी वगैरह बैंक की ऐसी होती है कि कुछ लोगों की घर की सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ लोग का नेचर ऐसा होता है कि वो बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये सबका अपने अपने ऊपर है कि वो क्या चाहता है। अभी IBPS क्लर्क मेंस भी हो चुका है तो उसका भी रिजल्ट आएगा। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जिन भी लोगों ने एग्जाम दिया है आपका एग्जाम क्लियर हो। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, और इस तरह के और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।